की प्रेस वार्ता में आप सब के बीच अपनी बात रखें माननीय सीबी सिंह जी। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी, पूर्व प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्षा आरती सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मीडिया के भाइयों और बहनों, आज जो मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ इस बात के लिए कि 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय योजना के तहत कांग्रेस के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे। विरोध प्रदर्शन का विषय वस्तु यह था कि महिला दिवस 8 मार्च के शुभ अवसर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने महिलाओं के कमर में रस्सी बांधकर और उनको ट्रैक्टर में बांधकर ट्रैक्टर खिंचवाने का काम कर रहे थे। यह उनका विरोध प्रदर्शन था, हो भी सकता है, लेकिन आखिर महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के कमर में रस्सी बांधकर और ट्रैक्टर से बांधकर खिंचवाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस मानसिकता का परिचायक है कि महिलाएं कांग्रेस के लिए बंधुआ मजदूर के समान हैं और उसी का विरोध प्रकट करने के लिए पूरे देश के अंदर महिला मोर्चा की हमारे तमाम महिलाएं कांग्रेस मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने गई थी और इसी क्रम में सरदारनंद रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर जी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं गई थी और वहां पर नारेबाजी कर रही थी। इसी बीच कांग्रेस के नेता हैं आलोक दुबे जी, उनके मुंह पर हाथ रखकर और उन्हें चुप कराना चाहते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर किसी की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ भाजपा के महिला मोर्चा की अध्यक्षा के मुंह को दबा रहे हैं जो एक महिला है, तो इससे कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है कि कांग्रेस की नज़र में महिलाओं का कितना सम्मान है। मैं बहुत पुरानी घटनाओं कई घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हाल के दिनों में ही मैंने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते हुए महिलाओं के ऊपर हाथ भी उठाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं यह उनके डीएनए में है, यह उनके संस्कार में है। कांग्रेस इसी प्रकार के संस्कार को सिखलाने का काम करती है। एक तरफ हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस इस तरह के हरकत करके इस बात को प्रदर्शित करता है कि उनकी नज़र में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से आग्रह भी करती है कि उन्हें इस कृत के लिए, उनके कार्यकर्ताओं ने जो कृत किया है उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। तो आज का विषय वस्तु यही था। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को अपना चरित्र को बदलना चाहिए। आप एक तरफ राजनीति पार्टी हैं,
आप सत्ता में इतने चूर हो गए हैं कि विपक्ष उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब इस तरह की घटनाओं को आप अंजाम देने का काम कर रहे हैं, और ख़ास करके महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, तो महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। धन्यवाद।